फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग अपॉन माय चैनल वैंडरर्स बाय चॉइस। तो अभी हम लोग रेडिसन ब्लू से चेकआउट कर चुके हैं, सो टुडे इज डे टू एंड वेलकम टू डे टू। तो टुडे वी हैव प्लान्ड कि हम लोग वेरियस प्लेसेस इन ब्लैक फॉरेस्ट द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट इज स्वार्शवाल्ड नेशनल पार्क। आई डोंट नो वेदर आई प्रोनाउंस्ड इट राइट और नॉट, बट डू फॉरगिव मी इफ आई हैव डन इट रॉन्गली। बट मैं जो नाम है वो स्क्रीन में भी डाल दूंगी सो दैट यू गाइज कैन फॉलो अप एंड वहां जाते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। टिल देन बाय। फॉरेस्ट एंड द नेम ऑफ द सिटी इज ओपिनाव एंड यहीं पर द वॉटरफॉल जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं एंड द व्यू इज रियली अमेजिंग। इट्स सच अ ब्यूटिफुल सिटी। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऑल सेंट्स वॉटरफॉल। इट बेसिकली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द नेशनल पार्क, श्वार्ज़वाल्ड नेशनल पार्क दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड वी एक्चुअली मार्क दिस एज आर फर्स्ट पॉइंट ऑफ attraction. I'll put the name in the screen, so keep watching. तरफ डेंस फॉरेस्ट है एंड जब रात को आएंगे तो जरूर ये ब्लैक फॉरेस्ट ही लगेगा क्योंकि रात को पूरी तरह से। यस पेप्सी। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए ऑल सेंट वॉटरफॉल इन द श्वार्ज़वाल्ड नेशनल पार्क और इट्स अ रूट ऑफ 500 मीटर्स ऑफ हाइकिंग अप। उसके बाद देर आर मैनी वाटरफॉल्स वन आफ्टर द अदर। सो अभी हम लोग 500 मीटर्स हाइक अप करने वाले हैं, तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। तो ये रहा फर्स्ट वाटरफॉल और अगर आप लोग ब्लैक फॉरेस्ट आ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली विजिट श्वार्ज़वाल्ड नेशनल पार्क। इट्स वन ऑफ द मेजर एंड द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इन ब्लैक फॉरेस्ट। सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू विजिट दिस नेशनल पार्क एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हाइकिंग देन तो इट्स अ लॉटरी फॉर यू बिकॉज यू हैव टू रियली हाइक अ लॉट टू सी नंबर ऑफ वाटरफॉल्स अक्रॉस द रोड। सो कम विद मी। काफ़ी ज़्यादा ऊँचे तक हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ ब्रेथ, बट हम लोग और ऊपर जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, बट मोर ऊपर, जितना ऊपर जाएंगे उतने सारे वाटरफॉल्स दिखेंगे। सो दैट्स द रीज़न इट्स मोर फन। फिर से और ऊपर जाना है? नहीं, हम लोग ऑलमोस्ट 500 टू 600 मीटर्स ऊपर हाइक करके आ गए और रास्ते में हम लोग को तीन वाटरफॉल्स दिखे
एंड इट्स अ गुड हाइकिंग एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को हाइकिंग करना पसंद है. एंड ऑल्सो देर आर सो मेनी वाटरफॉल्स. आगे भी है और यहाँ से इसके ऊपर भी और एक है जहाँ से मेन वाटर सोर्स है. और उसके बाद ये यहाँ पे फास्ट वाटरफॉल में कन्वर्ट होता है. बट ये बरसात के टाइम पे बहुत पानी रहता है इसमें. हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग ऊपर से हाइकिंग करके वाटरफॉल्स देखकर नीचे आ गए. सो अभी हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन. और वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है वो मुझे अभी नहीं पता. आई विल अपडेट यू. सो या कम विद मी. ऐसे बैठ के आपको थोड़ा सा रेस्ट लेके जाना. दिस इज द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन. वी एक्चुअली ट्रेक्ड फ्रॉम देयर टिल हियर. और ये और भी ऊंचा है. देयर इज अ केबल कार कनेक्शन. जनरली ऑपरेशनल टाइमिंग्स आर ओनली ड्यूरिंग द विंटर्स. एंड दिस हैज अ ब्यूटीफुल. हम लोग इतने दूर तक चढ़ के आ गए सब. हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग एक जगह रुके थे ताकि वी कैन हैव और ग्रैब सम कॉफी. क्योंकि सडनली टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है. एंड इट हैज रियली रियली बिकम वेरी कोल्ड. द टेम्परेचर एक्चुअली हैज ड्रॉप्ड अ लॉट. इट इज ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फील्स लाइक इज इवन लोअर. और इतनी ज्यादा ठंड में बहुत ज्यादा एग्जॉशन लग रहा है बिकॉज वी डिडंट कम प्रिपेयर्ड कि ठंडी होगी. वी केम प्रिपेयर्ड कि 19 से 22 तक वेरिएशन रहेगा टेम्परेचर का बिकॉज दैट्स व्हाट द वेदर रिपोर्ट सेड. तो हम लोग दो जगह रियली ब्यूटिफुल, इसीलिए हम लोग वो दो जगह लाइक यू नो वी वर वेटिंग. और काफी ज्यादा ठंड था तो हम लोग ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं किए क्योंकि इवन माय हेड स्टार्टेड एकिंग बहुत ज्यादा. मेरा भी हेड पेन कर रहा था. हाँ, बहुत पेन हो रहा था. तो मैंने जस्ट छोटा सा क्लिप. तो हम लोग उसका लोकेशन का नंबर दे देंगे. तो अगर लोकेशन का नंबर नहीं, लोकेशन मैं भेज दूंगी, लाइक डाल दूंगी स्क्रीन पे. तो अगर आप लोग ऑल सेंट वाटरफॉल के पास आ रहे हैं तो ये दो व्यू पॉइंट जरूर चेक करना. दिस इज रियली नाइस और ट्रेकिंग प्लेस है. और इट्स अ ट्रेकिंग प्लेस. इट्स अ ट्रेकिंग ऑफ 1 hour 14 minutes एंड यू विल रीच अ लेक. और हम लोग 1 hour 14 minutes के ट्रैक पे नहीं गए. वी जस्ट ट्रैक्ड अ लिटिल माउंटेन देयर एंड वी केम बैक. और क्योंकि 1 hour जाने में लगता, 1 hour आने में लगता. कल भी बहुत सारे प्लान्स है. आज शाम के भी कुछ प्लान्स है. और सर भी दुख रहा था. काफी ठंड थी. मैंने कपड़े भी ऐसे पहने थे कि इट वॉज नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर. तो शायद अभी हम लोग जा रहे हैं होटल चेक इन करें और चेक इन करने के बाद आपसे मिलते हैं. क्योंकि हम लोग अभी जाएंगे बेडन मीन्स बेसिकली बाथ इन जर्मन. सो द नेम ऑफ द प्लेस इज बेडन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन ब्लैक फॉरेस्ट. एंड इट इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स थर्मल वाटर और द हॉट स्प्रिंग्स. सो द वाटर हैज सो मेनी मिनरल सॉल्ट्स दैट इज सो वेरी good for your body, for your lungs, for your liver, for your heart, for your pains, for arthritis and lot of the cure. Ye bhi mana jata hai ki there was a Roman emperor who basically came to this black forest. Karkala is the name of that particular place in black forest. And he came here in 3rd century to cure his arthritis. And हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग ने फाइनली चेक इन कर लिया इन गेस्ट हाउस जूर लिंडे. एंड जब हम लोग ने booking.com से इस लोकेशन को बुक किया था तो ये प्लेस थोड़ा शेडी लग रहा था बट देर वॉज नो स्टे अवेलेबल इन बिटवीन. तो इसीलिए हम लोग ने ये बुक कर लिया. बट व्हेन वी एंटर्ड इट जस्ट गेव अस अ शॉक बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टे आई हैव एवर स्टेड इन. सो चलो मैं दिखाती हूँ तुम लोग को. ये रहा हम लोग की रूम. इजंट इट ब्यूटिफुल. और ये रहा बाथरूम.
बाथरूम भी काफ़ी प्यारा सा वेल मेंटेन्ड है. समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इज बाथरूम अच्छा हो किसी भी स्टे का, रूम जैसे भी हो. एंड देयर इज अ स्मॉल सिटिंग प्लेस हियर एंड रूम काफ़ी स्पेशियस है. यहाँ आप बैठ के हम लोग क्रिकेट भी खेल सकते हैं. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द रूम इज द बालकनी. और आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा राइट, पानी की आवाज़. तो ये आवाज़ भी बहुत सूदिंग है. दैट इज द सेंट्रम ऑफ द. टेम्परेचर काफ़ी लो है, काफ़ी विंडी भी है, बट अच्छा लग रहा है क्योंकि व्यू बहुत सुंदर है एंड स्टे भी. बाय बाय वेप्सी. बाय. बेडन बेडन आ गए. बेडन इन जर्मनी मीन्स टू टेक बाथ. एंड बेडन बेडन इज बेसिकली फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स एंड द वॉटर कंटेन्स वेरियस मिनरल सी सॉल्ट दैट इज एक्सट्रीमली दैट हैज अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट. सो यहाँ लोग जनरली अपने आप को क्लिंस करने आते हैं, नहाने आते हैं. एंड देर आर मैनी हॉट स्प्रिंग्स अक्रॉस बेडन बेडन. देर आर सम न्यूड हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पर यू हैव टू गो न्यूड. देर आर सम वेयर द क्लोथ्स आर अलाउड. सो हम लोग कारकाला थर्मन में आए हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्क इन बेडन बेडन. एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अ रोमन एम्परर इन 3rd century वेन ही केम हियर टू क्योर हिज आर्थराइटिस. And he actually got cured. So after that it became very famous and this thermal bath was named after the Roman emperor and his name was Karkala. So Karakala. So now we are going to get inside. I don't know hum log andar kitna shoot kar payenge, but I'll show you the out and we'll definitely share the experience with you. Come along. तो हम लोग आ गए बात करने. तो यहाँ पे ऐसा लॉकर मिलता है. हाँ तो कुछ हम लोग लेकर नहीं जा सकते, बट आप लोग गूगल में ज़रूर चेक करना हाउ डज कारकाला थर्मन लुक्स. एंड मैं भी पहली बार जा रही हूँ. आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड. तो मैं आप लोगों को बाथिंग के बाद मिलती हूँ. टिल देन बाय.
स्नान करके आ गई. सो इट वॉज अ बिग पूल और जहाँ कॉन्स्टेंटली गर्म पानी फ्लो हो रहा था एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. अगर आप लोग ब्लैक फॉरेस्ट आ रहे हो तो यू शुड नॉट मिस बेडन एंड यू शुड नॉट मिस द थर्मल बाथ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट इज़ सो रिलैक्सिंग दैट दो घंटे के बाद भी मुझे वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था एंड इट वॉज सो मच ऑफ रश. इट्स ओपन एट 8 AM एंड इट इज़ ओपन टिल 10 PM and 2 hours costs around 1750, 3 hours costs around 2250 and ye jo jagah hai wo bhi bahut hi sundar hai. bahut bada sa pool tha and it was all hot. the water was 38 degrees centigrade and it was so relaxing. aisa relaxing bath experience lena is must if you're coming to black forest because black forest is famous for its hot springs. so yeah guys, abhi main bahut zyada tired hu aur abhi baj rahe 9:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने. ठीक है, तो लेट्स मीट यू. सो नाउ वी केम टू इंडियन रेस्टोरेंट दैट इज़ अ श्री गणेश तंदूरी रेस्टोरेंट. सो यू हैव टू कम एंड देन इट इज़ इन द फर्स्ट फ्लोर. यू विल हैव फूड देन वी विल गिव यू प्रॉपर फीडबैक हाउ द फूड इज. बट या दिस रेस्टोरेंट लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड इट्स रियली गुड. फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो इट्स रियली कूल. Pepsi. So, हम लोग ने डिनर कर लिया और अभी मैं खा रही हूँ आइसक्रीम. इस रेस्टोरेंट में हम लोग आज गए थे, नाम था गणेश इंडियन रेस्टोरेंट. बहुत ही बकवास, सॉरी टू से, बढ़िया. आपको बोला था ना, लाइक आई सेड यू, लाइक आई विल गिव यू फीडबैक. आई थिंक या नाउ यू गॉट योर फीडबैक. और मैं इतनी टायर्ड थी कि मैं खाते वक्त कुछ शूट करने का मेरा मूड नहीं था, सो आई डिडंट शूट. सो आई गो एंड सी इन द होटल रूम. टिल देन बाय. हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए और मैं तो काफ़ी टायर्ड हूँ. वी डिड लॉट ऑफ हाइकिंग टुडे एंड एट द सेम टाइम वी वेंट फॉर द बेडन बाथ ऑल्सो. तो मैं काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ. सो गाइज, आई रियली होप सो दैट यू हैव लाइक द वीडियो एंड इन केस इफ यू हैव लाइकड इट, प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Wanderers by Choice and keep supporting me and wait for day 3. Till then, bye. Bye.